नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका टेक्नोचार्ज चैनल में। दोस्तों, अगर आपका भी ब्लूटूथ डिवाइस आपके फ़ोन से कनेक्ट हो रहा है लेकिन आपको मीडिया साउंड नहीं आ रहा है या फिर आपको कॉल में दिक्कत हो रही है, तो जैसा आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस पर आपकी तरफ से जो कमेंट्स आए थे जिसमें आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे, इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि आपके सारे प्रॉब्लम सिंपल स्टेप्स में क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर बार ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूँ। दोस्तों, हमें करना है ये है कि हमारे सेटिंग में जाना है, उसके बाद हमारे ब्लूटूथ ऑप्शन में जाना है। ब्लूटूथ में जाने के बाद आप देखेंगे मेरा जो MI का स्पोर्ट्स ब्लूटूथ ईयरफोन है वो मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, और उसके ऑप्शन में जब हम जाएंगे उसके सामने जो एरो दिख रहा है आपको, उसको अगर प्रेस करेंगे तो मेरे सारे ऑप्शन यहाँ पर ऑन आपको दिखाई देंगे, जैसे मीडिया और कॉल्स, सारी चीज़ें यहाँ पर ऑन है। देखिए ये ऑन है और फिर भी मुझे ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे इसको अनपेयर कर देना है। मैं इसको अनपेयर करूँगा, साथ ही साथ जितनी डिवाइसेस मेरे ब्लूटूथ से कनेक्टेड थी, जितनी पेयर थी, उन सभी को मैं अनपेयर कर दूँगा। सभी को अनपेयर करने के बाद जो आपका ब्लूटूथ डिवाइस है उसको आपको स्विच ऑफ कर देना है। याद रखिए, उसको स्विच ऑफ कर देना है। उसके बाद फ़ोन की सेटिंग में फिर से हम आएंगे। फ़ोन की सेटिंग में हम ऐप्स के मेनू में जाएंगे। आप देख रहे हैं ये ऐप्स का जो ऑप्शन है उसमें हम जाएंगे अभी, और ऐप्स में जाने के बाद आपका जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है, जो ब्लूटूथ का ऐप है, उसको हम ओपन करेंगे। ये कहीं पर भी हो सकता है, आप हो सके तो इसको सर्च भी कर सकते हो। ये मेरे इसमें ऊपर आ रहा है, उसको मैंने ओपन कर दिया। अभी देखिए ब्लूटूथ का ऑप्शन, अभी यहाँ पर प्रेस करके इसको ऑन कर देते हैं। अब इसमें जाने के बाद आप देखेंगे इसको फोर्स स्टॉप हमें कर देना है। इसको फोर्स स्टॉप करने के बाद इसका जो क्लियर डाटा का ऑप्शन है उसको भी आप दबा दीजिए और इसका डाटा क्लियर कर लीजिए और इसकी कैच भी क्लियर कर लीजिए। जब आप ये ऑप्शन कर दोगे तो ये जो ब्लूटूथ का मेनू है, जो इसका ट्रैक हमारे फ़ोन में बना हुआ होता है, वो फिर से रिन्यू हो जाएगा। अब इसके बाद आपको करना ये है कि आपके फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है। लगभग 10 मिनट के बाद आपको आपका फ़ोन और आपका ब्लूटूथ डिवाइस दोनों ही यहाँ पर ऑन कर लेने हैं। जैसे ही आपका फ़ोन ऑन होता है आपको उसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद उसके ब्लूटूथ में फिर से जाना है और ब्लूटूथ का ऑप्शन ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन करते हो आपके सामने आपकी ब्लूटूथ डिवाइस यहाँ पर नज़र आएगी सर्चिंग लिस्ट में। जब हम उसको पेयर कर देंगे, देखिए अभी इसका ये पेयर रिक्वेस्ट मांग रहा है और इसको हमने पेयर कर दिया है। पेयर करते से ही इसका नया फ्रेश ट्रैक यहाँ पर फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपके जो प्रीवियस इश्यूज थे वो सारे के सारे यहाँ पर दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके इश्यूज फिर भी दूर नहीं होते हैं तो मुझे ज़रूर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स इसी के लिए होता है दोस्तों। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, स्टे चार्ज।